वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, फाइनली नर्सिंग 2021 वालों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कहाँ पर हो चुके हैं? काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पर नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए और जीएनएम में एडमिशन के लिए, एएनएम में एडमिशन के लिए, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर अभी आने वाले हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियोज़ में मिलने वाली है। लाइक बनता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। और इसके अलावा जैसे कि राजस्थान हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कब आएंगे वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। और हाँ, अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इस सेक्टर में हॉस्पिटल में तो स्कोप है ही सही। इसके अलावा हमने आपको पहले बता रखा है कि रेलवे में भी स्कोप है, मिलिट्री में भी है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपने देखा अंतरिक्ष में इसरो, तो अंतरिक्ष से भी यहाँ पर वैकेंसीज निकलती है, पुलिस फोर्स से, एयरफोर्स से, ठीक है। यहाँ तक कि इसके अलावा जो आप सोचते हो ना उससे भी कई गुना आगे तक वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हेल्थ की रिक्वायरमेंट सभी को है। और हाँ, अगर आपका ऑल इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी एम्स यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो समझो आपकी लाइफ सेटल है अभी से ही। जी हाँ बिल्कुल, अगर नंबर आ जाता है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास कर ले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोबाइल से कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है, और इसके अलावा आपके स्टेट में कब आएंगे, सब कुछ हम इस वीडियोज़ में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इसका नोटिफिकेशन। सो गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एमएस नर्सिंग, बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल, इन सभी के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल है फॉरम। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में भी अभी अवेलेबल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और लेटेस्ट कौन से स्टेट में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, ठीक है ना। तो इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखिए आपके सामने ये डाउनलोड हो रहा है अभी। सो गाइज, फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ओनली हम स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट देख लेते हैं, इसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब हम चेकआउट करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल, ठीक है। तो 6 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना, क्योंकि 12 मार्च से स्टार्ट है तो लास्ट डेट 6 अप्रैल है, ठीक है। तो इसका पहले एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको दिखा देते हैं और मोबाइल से किस प्रकार से अप्लाई करना है वो हम आपको सिखाएंगे। सो गाइज, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है आपके सामने, ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सबसे वेल कंडीशन, ठीक है, ऑल इंडिया के। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, मोबाइल आपके पास है तो आपको सबसे पहले एकेडमिक कोर्स पे चले जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद ये कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, तो ये MBBS भी करवा रही है, बी एस नर्सिंग, पोस्ट बी एस नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी करवा रही है। जो आपको कोर्स करना है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए, हम यहाँ पर UG का जो कोर्स है बी एस नर्सिंग पर क्लिक कर लेते हैं, और पैरामेडिकल का भी सेम ही है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे यहाँ पर करना होगा, तो पहले हम बी एस नर्सिंग का देख लेते हैं। तो ये लो, ये इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो एडमिशन नोटिस है इसको आप रीड कर सकते हो, जो कि हमने पहले किया था। वहाँ पर स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो करना होता है आपको। तो प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये इस पर, ये लो, बहुत सिंपल है गाइस, आप कर सकते हो। इसके बाद ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, कौन से इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपका नया रजिस्ट्रेशन है, तो आपको किस पर क्लिक करना होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन कोर्स UG पे। तो ये लो, क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या करना है आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप ये इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, ये देखो। तो आपको क्या करना है गाइस, ये जो आ रहा है ना ऑप्शन क्लिक फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो दे रखे ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, जैसे कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी इसको फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी अच्छी सी ईमेल आईडी होनी चाहिए पर्सनल।
इसके बाद पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, इसके बाद आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और किसी कागज़ पे आपके सिग्नेचर की स्कैन इसमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और इसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, अगर आप विकलांग हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन होता है। तो चलिए प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद ये देखिए बी एस नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बी एस नर्सिंग, ये तीन यहाँ पर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद ये ओपन हो जाएगा आपका, ये देखिए बहुत सिंपल है गाइस, आप खुद इसको फिलअप कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल अब आपको फिलअप करनी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार से होता है। तो हम सब पता है कि इंडियन ही है, तो यहाँ पर इंडियन पर क्लिक कर देना है, नागरिकता। ओके गाइस, आपको इंडियन फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम, जो कि आपके 10th 12th की मार्कशीट में देख के आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है, फुल नेम री एंटर करना है आपको अपना फुल नेम। इसके बाद आ जाते हैं आपके गार्जियनर्स, जैसे कि आपको फादर का नेम जो आपके आधार में दिया हुआ है, या फिर आपकी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट में दिया हुआ है वही नाम यहाँ पर लिखना है। मदर का नाम भी सेम वहीं से आपको लिख लेना है यहाँ पे। ओके, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी, जो कि आपके आधार या किसी आईडी में दे रखी या फिर 10th की मार्कशीट में दे रखी है। उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जेंडर यहाँ पर चूज कर लेना है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, ठीक है, जैसे कि फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना होता है, ठीक है। तो ओबीसी लेमी कैंडिडेट विल बी कंसिडर और जनरल, तो यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। चूज कर लेने के बाद जो सेकंड है यहाँ पर आपको कंफर्म करना होता है, ठीक है, जो भी है अभी हम क्योंकि बेसिक डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं कर रहे तो आ जाएगा। और इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब आप बोलेंगे सर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आर यू द कैट पी डब्ल्यू, यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कुछ ऐसा है कि आपके कहीं से विकलांग हो, तो यस कर देना है, और यस करने के साथ प्रूफ लगा देना है। अगर आप नॉर्मल हो, अच्छे हो, हेल्थी हो तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर देना है। इसके बाद आईडी नंबर यहाँ पर लगा देना है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो पहले इस यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद डेट वैलिडिटी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, ऑप्शनल है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, जो वैलिड आईडी है ना, ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर आपको डिटेल मिलती रहेगी आपकी, तो इसलिए वैलिड ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। आपको हर अपडेट मिलता रहेगा उस ईमेल आईडी पे एम्स के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर वही यहाँ पर मेंशन करने हैं, जो आपके पर्सनल है, जो आप यूज में लेते हो, जो हमेशा चालू रखते हो, क्योंकि उस पर आपको एडमिट कार्ड की डेट, एग्ज़ाम डेट सब कुछ उसमें आएगा अपडेट। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, एक्सेप्ट होता है, सब कुछ उसमें आपको भेज दिया जाएगा एम्स के थ्रू, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके बाद नंबर ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, जो चीज़ें ऑप्शनल है उसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आपके पिन कोड जो भी है। इसके बाद स्टेट, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपकी सिटी, और उसके बाद आपका एड्रेस जो कि आधार कार्ड में दिया हुआ है। कंट्री, पिन कोड ये आप सिलेक्ट कर लेना है, आप खुद पढ़े लिखे उतना सा तो आप फिलअप कर ही सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको कर देना है, और उसके बाद आपको जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी, जैसे आप ये क्लिक करोगे उसके बाद आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, और इसको लॉगिन करके फिर आप पेमेंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकोगे। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप किसी मार्केट से, किसी साइबर से, ई मित्र केंद्र से अपना फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। बट बात तो ये आती है सर कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने में सिलेक्शन होगा, वो हमें बता दीजिए। तो चलिए उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, और बाकी के जो स्टेट है राजस्थान, एमपी, यूपी, वहाँ पर कब आएंगे, तो चलिए हम वहाँ पर आपको ले चलते हैं। सो गाइज, ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपकी अपनी, जहाँ पर आपको ऑल स्टेट है जो इंडिया के, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, जितने भी स्टेट है उनके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं यहाँ पर, अपडेट आपको मिल जाएगी, काउंसलिंग डेट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, वैसे आप चाहे तो इसको विजिट कर सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या
इसका पैटर्न दे रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपसे टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर कितने का, 100 का होगा। पेपर किस लैंग्वेज में होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। कितने टाइम का होगा पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो आपका 1 सही वाला चला जाएगा, ठीक है। फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स से गाइज आपके क्वेश्चन आएंगे 30, केमिस्ट्री से भी 30, बायो से भी 30 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। सिंपल, इतना सा आप कर ही सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हो, 12 मार्च से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट गाइज 6 अप्रैल है। अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनको बताइए कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग पैरामेडिकल के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, हमको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप अपने स्टेट में ट्राई कीजिए, ठीक है। स्टेट में आपके निकलने वाले भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड 2 जून को आ जाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को होगा। अब आप सोच रहे हो सर एग्ज़ाम 14 जून को है तो तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए हमने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, अभी हम बताएंगे। पूरा वीडियो देखना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब दे रखा है टाइम टेबल, ये काउंसलिंग का शेड्यूल बाद की बात है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में है, एम्स के बारे में, हेल्पलाइन नंबर वगैरह, एप्लीकेशन फीस, जनरल और ओबीसी की कितनी लगेगी, 1500 रुपये मात्र, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी SST से आते हैं ना, उनकी 750 रुपये लगेगी, 750। और इसके बाद देख लेते हैं योग्यता की बात करें तो सिंपल है, 12th पास आउट इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जनरल ओबीसी वालों के लिए 55 नंबर इसमें चाहिए 12th में, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। सिंपल, कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके 12th में होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया सिंपल है, मिनिमम आपकी उम्र 17 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि है आपकी। एग्ज़ाम का पैटर्न हमने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश है। कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और बायोलॉजी से 30, फिजिक्स से भी 30, केमिस्ट्री भी 30 और जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एडमिट कार्ड की जानकारी आपको इसी चैनल पर बता दी जाएगी। और अब रही बात आपके तैयारी की, तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, यूट्यूब सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, तो वहाँ पर आप सिलेबस देख लो। पहले सिलेबस ये दे रखा, देखो सिंपल है, केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल, सॉलिड स्टेट, ठीक है, केमिस्ट्री सॉल्यूशन, पॉलीमर, बहुलक जो है ना आपके विलयन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और संकरण, ठीक है। बायोलॉजी से मिनरल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फेल, मेमेल, ठीक है, यानी कि महिला, मादा और नर का प्रजनन तंत्र आपसे पूछा जाएगा। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। फिजिक्स की देख लो आप, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, एटम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियाई हो गया। इसके बाद सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर हो गया, गेट्स हो गए। इसके बाद जनरल नॉलेज में क्या, कल्चर, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च आपसे पूछी जाएगी। सिंपल है, इस वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये एमपी के बारे में ये देख लो, ये एमपी के बारे में यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि कब आएंगे। इसके बाद ये RHS का सिलेबस है राजस्थान वालों के लिए, ये मेरिट लिस्ट है, तो एमपी का देख लो आप यहाँ से। सिंपल है, बहुत पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, क्लिक कर दिया हमने, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी नर्सिंग पैरामेडिकल की इस पर आपको मिलती रहती है। इसको आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो, बहुत सारे कर भी रखा है, उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये देख लो, पूरा का पूरा एमपी का आ गया, तो एमपी में कब आएंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ANM के, JNM के, वेस्ट नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, देख लो कब आएंगे, ये सब जून में दे रखा है यहाँ पे कुछ। इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन कर देना, आ जाएगा ये। इसके बाद एमपी जेंटिस्टिक आ गया, ये RHS का सिलेबस आ गया, राजस्थान का आ गया, तो सब कुछ देर का ही गाइज यहाँ पे कब आएगा आप कुछ सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। अदर स्टेट है ना, तो राजस्थान में कब आएगा, जून जुलाई यहाँ पर दे रखा है, ये सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट गाइज हमारे हिसाब से, और आपको बहुत ही अच्छी गाइड करेगी। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, इस वेबसाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देख लो, ये RHS के बारे में सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यूपी, बिहार, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब आप बोलेंगे सर कहाँ टीके, अभी तैयारी कैसे करनी हो तो बताया नहीं, तो चलिए यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है। सो गाइज हम यूट्यूब पे आ चुके हैं और यूट्यूब पे हमने क्या सर्च किया, यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्च करने का जेके लोन जॉब ओनली सर्च किया तो फर्स्ट पे टॉप पे आपको मिल जाएगा ये चैनल। लोगो देख लो और नाम देख लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस यहीं से कर देना, और ये करने के बाद आप सीधा लोगो पे क्लिक करना, और लोगो पे क्लिक करने के बाद ये हमारा चैनल ओपन हो गया। वीडियो सेक्शन पर आपको चले जाना है, ठीक है। और प्रीअप कॉस्ट ये देख लो गाइज, स्टार्ट है तैयारी। MCVS नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको प्री अप कॉस्ट। आपको ओनली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है सब कुछ, ठीक है। तो लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप सर्च करके जाना चाहते हो और पूरा फायदा उठाना चाहते हो, और ये क्वेश्चन आपके स्टेट में भी काम में आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एम्स के अलावा BHU, जिम्मर, उनमें भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, उस वेबसाइट का भी जो हमने आपको अभी बताई थी, और इस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है,